Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. आओ बच्चों, आज आपको एक ऐसे बेवकूफ ठग्गू कव्वे की कहानी सुनाते हैं जिसने बड़ी होशियारी से लोगों को लूटने की कोशिश की। एक ज़माने की बात है कि कालू कव्वा हर गांव और हर शहर से जलील करके निकाला जाता, क्योंकि वो हर जगह ही अपनी चोरी की वजह से निकाला जाता। एक दिन कालू गेम्स की बहुत बड़ी दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने वहाँ रुककर एक गेम को देखा जिसमें बड़ी होशियारी से अपनी दौलत को डबल करने का प्लान था। कालू ने अब अपना मास्टरमाइंड यूज़ किया और इसी गेम प्लान के मुताबिक एक गांव में चला गया। कालू की ज़ुबान बड़ी मीठी थी, वो अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को अपना गर्विदा कर लेता। ऐसे ही वो इस गांव में पहुंचकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे भैया, क्या हुआ? इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो? तुम तो इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? बस क्या बताऊं भाई, मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूँ। मैं बड़ी दूर से ट्रेन का सफर करके आ रहा था कि एक स्टेशन पर खाने पीने के लिए रुका, वहाँ मेरा सारा सामान चोरी हो गया, इसलिए मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और पैदल चलते चलते मैं थक गया, इसीलिए मैं यहाँ आराम करने के लिए बैठा हूँ। तोते और कबूतर दोनों को उस पर बहुत दया आई। वो दोनों आपस में कुछ सरगोशी करने लगे। फिर कबूतर उससे बोला, भैया बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे बारे में सुन के। अरे भाई, क्या जरूरत है कहीं जाने की, जब तक तुम यहीं रह लो हमारे गांव में। चलो आओ तुम हमारे साथ, हम तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यकीन नहीं आता कि आज भी अच्छाई जिंदा है। कालू के नरम लहजे ने उनको उसकी मदद करने पर मजबूर कर दिया था। वो चलते चलते गांव के अंदर पहुंच गए। गांव पहुंचकर तोता एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर ऐलान करने लगा, गांव वालों, गांव में एक मेहमान आया है, इसको कुछ मदद की जरूरत है। इसके पास रहने के लिए ना जगह है और ना ही खाने के लिए भोजन। कृपया करके हम सब मिलकर इसकी कुछ मदद कर सकते हैं। जो कोई भी इसकी मदद करना चाहता है वो यहाँ आ जाए। ऐलान सुनकर सारा गांव वहाँ जमा हो गया। इतने में मोंटू बंदर कहने लगा, अरे अरे भैया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक घर खाली पड़ा है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हें बिस्तर और बर्तन दूंगी ताकि तुम उनमें आराम से खा पी सको। इसी तरह सारे गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी उसकी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं भी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आप सबका एहसान चुका सकूं। लेकिन दोस्तों, मैं इतना बेमुरव्वत नहीं हो सकता कि बैठकर खाने लगूं। कृपया करके मुझे एक कुल्हाड़ी ला दीजिए ताकि मैं इस कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियां काटकर गुजारा कर सकूं। कालू की बातें सुनकर सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। हाय, कितना खुदार पक्षी है ना, देखो ये हम पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए हमसे कुल्हाड़ी मांग रहा है। रुको रुको भैया, मेरे पास कुल्हाड़ी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसी तरह दूसरे सभी पक्षी भी उसकी तारीफ करने लगे। थोड़ी देर बाद चीनू अपने घर से कुल्हाड़ी भी ले आई। अब कालू गांव वालों का थोड़ा एतमाद जीतने में कामयाब हो गया था। उसे घर और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें देने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन कालू सोकर उठा तो सुबह ही सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी अपने सर के नीचे रखी और आराम से सो गया।
सारा दिन उसने इसी तरह गुजारा और शाम को खाली हाथ वापिस गांव की तरफ लौट आया। अरे कालू भैया, क्या हुआ? तुम तो लकड़ियां लेने गए थे ना, और खाली हाथ क्यों आ रहे हो? क्या सूखी लकड़ी नहीं मिली तुम्हें? बस भाई, क्या बताऊं तुम्हें, जैसे ही मैं एक पेड़ को काटने के लिए उसके पास पहुंचा, तो वो मुझसे मिनती करने लगा कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तुम्हारे बहुत सारे मसले हल कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे सूखे तने में हर रोज कुछ पैसे रखोगे तो अगली सुबह मेरा वादा है तुम्हें उससे डबल पैसे मिलेंगे। लो भला, ये भी कोई बात थी? कालू की ये बात सुनकर कबूतर हैरान रह जाता है और भागा भागा दूसरे गांव वालों के पास पहुंच जाता है। वो सब भी सुनकर हैरान हुए और जमा होकर कालू के पास गए। अरे कालू भैया, क्या कबूतर सच कह रहा है? क्या वाकई तुम किसी जादुई पेड़ से मिलकर आए हो? अरे हाँ ना, मुझसे जो कुछ पेड़ ने कहा वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब ये तो वहाँ पैसे रखने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो पेड़ सच कह रहा था या नहीं। तो फिर तुमने वहाँ पैसे रखे क्यों नहीं? अरे भाई, कैसे रखता पैसे? तुम लोगों को तो पता है मैं ठहरा एक लुटा हुआ मुसाफिर, तो मेरे पास इतनी रकम कहाँ से आई भला, इसलिए मैं खाली हाथ ही लौट आया। कालू का जवाब सुनकर गांव वाले आपस में मशवरा करने लगे और फिर ये तय हो गया कि सारे गांव वाले थोड़े थोड़े पैसे देकर उसकी मदद करेंगे। उन सभी ने कुछ पैसे मिलाकर उसको दे दिए ताकि वो शाम को दरख्त के तने में रख आए। वो पैसे लेकर कालू सीधा जंगल में चला गया। अरे कितना मजा आ रहा है ना इन गांव वालों को बेवकूफ बनाने का। अब इसी तरह मैं हर रोज इनसे पैसे बटोरूंगा और जब ढेर सारी रकम जमा हो जाएगी तो मैं ये पैसे लेकर फिर से उड़ जाऊंगा। कालू के इरादे तो बहुत ही खतरनाक थे। उसने वो रकम एक पोटली में डालकर रखी और साथ ही वो पैसे गिनकर उतने ही पैसे अपने पास से मिलाकर उसी पोटली में रख दिए ताकि जब सुबह गांव वाले आकर देखें तो ये रकम डबल हो चुकी हो। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को साथ लेकर पेड़ के तने पर पहुंच गया। जब उसने वो पोटली खोली तो उसमें डबल रकम मौजूद थी। सभी गांव वाले डबल पैसे देखकर खुश हो गए और अब तो उन सब का एतमाद कालू पर और भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उसकी कही हुई हर बात सच हो रही थी। अब सारे गांव वाले हर रोज़ उसे कुछ रकम दे जाते तो वो रकम अगली सुबह डबल हो जाती। उन सब में चीनू चिड़िया बहुत ही सियानी थी। उसको एक दिन कालू पर शक हो जाता है। अरे मुझे तो ये कालू कोई डबल गेम करता हुआ ही लगता है, मुझे इस पर नज़र रखनी होगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर रोज़ पैसे डबल हो जाएं? अरे बेटा कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन चीनू ने कालू का पीछा करना शुरू कर दिया। वो पहले से पेड़ के साथ झाड़ियों में छुपकर बैठ गई ताकि जब कालू पैसे रखने आए तो वो उसे अपनी आंखों से देख सके। थोड़ी देर के बाद कालू वहां आया। उसने पोटली में रखे पैसे गिने और अपने पास से पैसे निकालकर उतने ही पैसे उसने रख दिए। ये सारा मंजर चीनू ने अपनी आंखों से देख लिया था। कालू के जाने के बाद चीनू झाड़ियों से बाहर आ गई। अल्लाह, कितना बेईमान है ये कालू। तो ये बात थी, ये हमें इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा था, इसका कोई ना कोई हल तो करना ही पड़ेगा। चीनू को पता था कि गांव वाले कालू पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए वो कुछ भी कहेगी तो गांव वाले उसकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए चीनू ने एक प्लान बनाया और रात के समय आकर पोटली में जमा हुई सारी रकम निकालकर अलग रख दी और उस पोटली में रकम की जगह पत्थर डाल दिए, क्योंकि उसी रात
कालू के वहां से भागने का प्लान था। थोड़ी देर के बाद कालू वहां आया और वो पत्थर वाली पोटली उठाकर ले गया। कालू तो किसी नॉनस्टॉप मशीन की तरह चला जा रहा था, क्योंकि वो बिना समय जाया किए वहां से इतनी दूर चला जाना चाहता था जहां उससे कोई भी पहचानता ना हो। उधर कालू के फरार होने के बाद जब सुबह गांव वाले उठे तो उन्होंने अपनी रकम डबल हुए देखने के लिए जंगल में पेड़ का रुख किया। जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई रकम नहीं थी। फिर कालू से पूछने के लिए सभी गांव वालों ने उसके घर जाकर देखा तो कालू वहां पर भी नहीं था और वो पूरे गांव में भी कहीं नहीं था। हाय रब्बा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, वो नामुराद कालू हमें धोखा दे गया। देखो गांव वालों, हम सबकी रकम लूट ली उसने। अरे कीड़े पड़े तुझे, कहाँ भाग गया तू? अरे मैंने तो एक एक पाई इतनी मुश्किल से जोड़ी थी, मेरी सारी जिंदगी की कमाई ले गया वो। सभी गांव वाले अपने अपने पैसों को रोने लगे। उनको रोता देखकर चीनू उनकी रकम ले आई। अरे दोस्तों, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, ये देखो तुम सबकी रकम मैंने बचा ली है। मुझे तो उस नामुराद की हरकतों पर पहले से ही शक हो गया था, इसीलिए मैंने उस पर नज़र रखी और तुम लोगों की रकम डूबने से बचा ली। फिर चीनू ने सभी की रकम उन्हें वापस कर दी। अब सारे गांव वाले चीनू के मोतरिफ हो गए थे। चीनू की इज्जत उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अल्लाह भला करे तुम्हारा चीनू बहन, हम तो सारी जिंदगी भी तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकते। आइंदा भी सभी गांव वालों को चुकन्ना रहना होगा ताकि कोई भी ऐरा गैरा हमें धोखा न दे सके। वहां कालू पत्थरों की पोटली उठाए 2 दिन तक भागता रहा। आखिर एक पेड़ के नीचे जाकर उसने सांस ली। हा हा हा, अब तो 2 दिन हो गए हैं मुझे भागते हुए। मेरे ख्याल से यहाँ वो मेरे पीछे नहीं आ सकेंगे, मुझे ये पोटली खोलकर देख लेनी चाहिए। फिर जैसे ही उसने पोटली खोली तो उसमें कोई रकम नहीं थी, बल्कि वो पत्थरों से भरी हुई थी। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? यहाँ से सारी रकम कहाँ गई? अब तो 2 दिन हो चुके हैं, मैं वापस भी नहीं जा सकता। अगर वापस गया तो अब तक तो वो मेरी असलियत जान चुके होंगे। इसका मतलब मैंने अपनी रखी हुई रकम खो दी। ओए हाय, मेरी अपनी रकम भी गई। इसका मतलब चोरों को पड़ गए मोर। देखा प्यारे दोस्तों, किस तरह चीनू की अकलमंदी की वजह से उन सब की रकम डूबने से बच गई और वो बेवकूफ ठग्गू कालू देखता ही रह गया।